रखा गया है, तो क्या पर्पस रहेगा इस प्रोग्राम का, जरा बताएंगे लोगों को? सबसे पहले जाफर भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मुस्लिम सोसाइटी का इलाका है, इस इलाके के अंदर एक मैदान हुआ करता है, वो मैदान की हालत काफ़ी ख़राब रहने की वजह से उसका आज हम लोग उसको नया मैदान बनाने का काम करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये आप देख रहे स्टीमर मशीन, जो इस इलाके के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हम लोग बांटने का काम करेंगे, और वो भी मुस्लिम सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से। तो इस इलाके का जो ट्रस्ट है, ये हमेशा से गरीब लोगों के मदद करने के लिए हमेशा आगे आता है। इन ट्रस्ट की हमेशा से ये गुजारिश थी कि इस इलाके के लोगों के लिए इस मशीन को बांटना ज़रूरी है, और इस इलाके में रहने वाले जो नौजवान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अरे वाजिद भाई, हमें इसको करना चाहिए। उनकी वजह से ये प्रोग्राम हम लोग आज लेने में कामयाब हुए। नहीं, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जो है प्रोग्राम को ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन मीटिंग लिया जा रही है, और किस बात की मीटिंग ली जा रही है, और कौन मीटिंग ले रहा है जो आपको मतलब हराना चाहते हैं? ऐसे देखिए, आज ये जो माहौल देखिए, ये माहौल खुशी का माहौल है, ये माहौल मुस्लिम सोसाइटी का माहौल है। ये माहौल हमेशा सबको नसीब नहीं होता, ये बहुत कम लोगों के लिए ये माहौल आगे आता है। इन लोगों का प्यार मुझ पर हमेशा से इसी तरीके से पहले से ही है। कहीं ना कहीं इस प्यार को कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाने के लिए भारी लोगों ने कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश की, इसको ख़राब करने की कोशिश की, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि मैं लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करूं। क्या लगता है कि आपके काम से लोगों को तकलीफ हो रही, खास करके आपके ही लोगों को? कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, हो सकता है, क्योंकि जो काम था, आज काम बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, काम खुद ही लोगों को दिख रहा है। जो तकलीफें, जो परेशानी लोगों को कई सालों से थी, आज हम लोगों ने मिलकर, इस इलाके के लोगों ने मिलकर उस तकलीफ को दूर करने का काम कहीं ना कहीं किया है। आने वाले 22 तारीख को जो है वार्ड का रिवोल्यूशन होगा और लॉटरी होगी, उसके लिए क्या तैयारी, और क्या आप कांग्रेस के टिकट पे आप नगर सेवक रहेंगे या फिर कुछ और चेंज होगा? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो मोहब्बत आप मुझे देख रहे हैं, इस मोहब्बत को देखने के बाद तो आपको मुझसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं टिकट से लड़ूंगा कि बिगैर टिकट से लड़ूंगा। काम होगा करेगा, तो उसको करना भी है।